आज की वीडियो में मैंने व्रत के कढ़ी चावल बनाए हैं। वेलकम टू इडनीत। बॉडी केयर पर घर गृहस्थी से रिलेटेड जानकारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। नीचे दिया गया रेड बटन टच करके, ये फ्री है। व्रत की कढ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 3 कप लस्सी, 1 टेबलस्पून कुट्टू का आटा, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1/4 चम्मच हल्दी व स्वादानुसार सेंधा नमक और ऑयल। लेट अस स्टार्ट। 3 कप लस्सी में 1 टेबलस्पून कुट्टू का आटा, 1/4 चम्मच हल्दी। अगर आप व्रत में हल्दी नहीं खाते हो तो इसे स्किप कर दें। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें लम्प्स नहीं रहने चाहिए। ये हमने घोल रेडी कर लिया है। इसमें हम 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। इसे मैं पहले डालना भूल गई थी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक पैन में 2 स्पून ऑयल गरम कर लेंगे। गरम तेल में 1/4 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच कुटा हुआ धनिया डालकर कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। फ्लेम को लो कर लेंगे और इसमें ये घोल डाल लेंगे। अब हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। इसे चलाते रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसे चलाएंगे नहीं तो ये फट जाएगा। फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और इसे चलाते हुए 1 उबाल आने तक पकाएंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टच करें, जिससे कि आपको मेरे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक व शेयर ज़रूर करें। इसमें उबाल आ गया है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट पकाएंगे। कढ़ी में स्वादानुसार सेंधा नमक डाल लें। मैंने यहाँ पर 1/3 चम्मच नमक डाला है। लो फ्लेम पर पकाते समय हम इसे ढक लेंगे। इस तरह से इस पर हम हाफ ढक्कन ही लगाएंगे, क्योंकि अगर हमने इस पर पूरा ढक्कन लगा दिया तो कढ़ी उबलकर बाहर आ जाएगी। बीच बीच में कढ़ी को संभाल लेंगे, हम इसे चला लेंगे। कढ़ी को लो फ्लेम पर पकाते हुए मुझे 7 मिनट हो गए हैं और हमारी कुट्टू की कढ़ी रेडी है। अब हम गैस बंद कर लेंगे। ये इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये परफेक्ट है। हमारी कढ़ी रेडी हो गई है। अब हम व्रत के चावल बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 3/4 कप सामक लिए हैं। इन्हें सामक के चावल भी कहा जाता है। सामक को छांटकर अच्छे से धो लेंगे और कुकर में डाल लेंगे। अब हमने जितने सामक लिए हैं उससे डबल हम इसमें पानी डाल लेंगे। मैंने यहाँ पर 3/4 कप सामक लिए हैं तो इसमें मैंने 1.5 कप पानी डाल दिया है। अब हम इन्हें पका लेंगे। सामक को कुकर में 2 विसल आने तक पकाएंगे, फिर गैस बंद कर लेंगे। ये देखिए, हमारे सामक रेडी हो गए हैं। ये रेडी है हमारे व्रत स्पेशल कढ़ी चावल। ये बहुत ही इजी और क्विक डिश है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।